सरकार ने 2 साल के अंदर अंदर अपने घोषणा पत्र का हिसाब दिया, जबकि कई सरकारें 5 साल में भी हिसाब नहीं देती। न मोदी जी ने 5 साल में हिसाब दिया, दोबारा सत्ता में आ गए सेना के शौर्य के पीछे छुप कर के। जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार का था, आज तक पता नहीं वो संकल्प पत्र के कितने वादे पूरे हुए। तो हमारा जो जन घोषणा पत्र है उसमें 52% 2 साल में पूरे होंगे। अब हम लोग और कितने होंगे उसके ऊपर देखेंगे, कल जब इसकी समीक्षा होगी तो पता चलेगा कि कितने होंगे और कौन से वादे रह गए उसको हम किस गति से। हमने तो 1.5 साल तो कोरोना का भी सामना किया है, उसके बावजूद आप देखिए कि बजट का इम्प्लीमेंटेशन भी हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और हम जन घोषणा पत्र जो हमारा कांग्रेस पार्टी का है, जिसको सरकारी दस्तावेज हमने बना रखा है, उसकी भी हम लोग पालना। रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkalert.in पर पा सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी आके rkalert.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप rkalert.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी है उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा रीट भर्ती से रिलेटेड, राजस्थान पुलिस फिजिकल रिजल्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नया इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप सारी की सारी अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो गाइस, लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाइए और चेक कीजिए। अगर ये कोरोना ने हम पे मेहर कर दी और ये नहीं आया तो हम निश्चित रूप से 26 सितंबर को ही हमारी रीट की एग्ज़ाम करवाएंगे, और जल्दी से जल्दी हम जैसे बोर्ड में शीघ्र निर्णय करके और शीघ्र रिजल्ट दे रहे हैं, वैसे शीघ्र रिजल्ट दे करके और हमारे होनहार शिक्षित बेरोजगार जो नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, आशा करते हैं, उनको सुखद परिणाम मिलेगा और हमारे स्कूलों में भी हमारे बच्चे होंगे।